BMW ने लॉन्च कर दी है अपनी सबसे एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक ईवी जो है BMW iX M60। और इस कार के फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि अब ड्राइवर एक बटन दबाने पर पूरी कार के कलर को चेंज कर पाएगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कार ऐसा कैसे कर पाती है, जानिए इंट्रो के उस पार। एक्चुअली ये पॉसिबल है इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्नोलॉजी के कारण। ये टेक्नोलॉजी वही है जो आपने अक्सर किंडल या बाकी ई रीडर्स में देखी होगी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ई रीडर्स वन टाइम एनर्जी कंजम्पशन पर मिलियंस ऑफ कलर्स में से ऑप्टिमम कलर को चूज करते हैं ताकि रीडर्स को बेस्ट रीडिंग एक्सपीरियंस मिल पाए। तो क्या अब हम यही समझे कि बेसिकली BMW ने पूरी कार को एक बड़े से ई पेपर के अंदर रैप कर दिया है? एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। BMW ने ये इलेक्ट्रोफोरेटिक बॉडी रैप टेक्नोलॉजी ई इंक नाम की कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कार की बॉडी पर मिलियंस ऑफ माइक्रो पेंट कैप्सूल्स एम्बेडेड हैं जिनका साइज ह्यूमन हेयर से भी कम है। एंड हर एक माइक्रो कैप्सूल में एक नेगेटिवली चार्ज्ड वाइट पिगमेंट है एंड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ब्लैक पिगमेंट है। अब जब ड्राइवर अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग कलर को एडजस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट इन कैप्सूल्स में फ्लो करेगा एंड कार को उस पर्टिकुलर शेड में चेंज कर देगा। इन्हीं के साथ कार में मिलियंस ऑफ पेपर सेगमेंट्स लगे हुए हैं जो कलर को अचीव, मेंटेन एंड स्टेबल रखने में मदद करते हैं। तो बेसिकली मल्टी मिलियन डॉलर्स की इस कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बस कार को कूल दिखाने के लिए किया गया है? ऑब्वियसली नहीं। हम सबको पता है कि व्हाइट पेंट मोस्ट रिफ्लेक्टिव कलर होता है एंड इसका कूलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एंड ठीक इसका अपोजिट ब्लैक कलर के साथ होता है। तो BMW ने अपनी ईवी के साथ ये अचीव करना चाहा है कि कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी से कार के कैबिन में समर या विंटर में ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव हो जाए, वो भी सिर्फ वन टाइम एनर्जी कंजम्पशन में, जिसकी वजह से कार की लॉन्ग रेंज एफिशिएंसी और एयर कंडीशनिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होगी। कार लवर्स को इस कार को मार्केट में देखने के लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि CES में अभी इस कार का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वर्जन ही लॉन्च करा है, एक्चुअल मॉडल को मार्केट में आने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर आप होते इस कार में तो आप अपनी कार के लिए कौन सा कलर चूज करते हैं।